हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस हैं और इसमें आप देखेंगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध, ठीक है ना। ये पेपर आपका जो फर्स्ट पेपर है बीए थर्ड ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और जो ये समझना चाहते हैं कि शीत युद्ध क्या है, उसके कारण और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो प्रभाव है उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो शीत युद्ध को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर जो थर्ड ईयर में हैं और उनका पॉलिटिकल पेपर फर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल फर्स्ट में है, उनका पेपर में सिलेबस में शामिल है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि शीत युद्ध का मीन्स क्या है, शीत युद्ध है क्या, उसकी क्या परिभाषाएँ हैं, ठीक है। तो वही हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्यों हुआ, अर्थ के बाद हम जानेंगे इसका कारण। कारण आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हर बार कारण कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। फिलहाल हम इसके अर्थ को समझ रहे हैं, तो अर्थ को समझिए। तो अर्थ को समझने में अगर देखें तो एक चीज़ आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगी जो दिक्कत वाली नहीं है, वो क्या है, वो चीज़ देखिए। जैसे अगर आपको पता है शीत युद्ध नाम से ही आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, क्या चीज़ें आपको पता लग रही है कि शीत युद्ध यानी खुले विचारों की लड़ाई नहीं है, खुले विचारों की लड़ाई नहीं है, शीत युद्ध है वह एक तरह से विचारों की लड़ाई है। क्या है, विचारों की लड़ाई है। तो ये चीज़ आप समझिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो शीत युद्ध को आप समझिए, को डायरेक्टली वो कहते हैं ना कि वो वाली लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई वो होती है जो विचारों के द्वारा लड़ी जाती है और जो एक दूसरे के ऊपर न्यूज़पेपर या समाचार पत्र या किसी न किसी माध्यम से दोष थोप के ही होता है। तो शीत युद्ध का अगर आप वर्ड में देखना चाहें कि भाई शीत युद्ध को हम कैसे एक शब्द में बताएं, तो आप इसको हम कह सकते हैं, इसके वर्ड में लिखे तो आप ऐसा कह सकते हैं, एक वैचारिक लड़ाई है। क्या है, वैचारिक संघर्ष, यानी विचारों का संघर्ष, विचारों का, ठीक है ना। और जिसमें और भी अच्छी बात करें तो जैसे हम कहें कि एक राजनीतिक अविश्वास है, राजनीतिक अविश्वास, या इसको और हम दूसरा राज दें तो हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, ये भी आप नेम ले सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है वह कॉमन नाम आते हैं। इसको और कहें कूटनीति युद्ध भी कह सकते हैं, तो ये इन नामों से हम इसको प्रकट करते हैं क्योंकि वह युद्ध जो डायरेक्टली सीधे हथियारों से आमने सामने लड़ा जाकर विचारों से लड़ा जाता है, जैसे दो पक्ष है, एक पक्ष कह रहा है ये ऐसा है, वो बहुत गंदा है, वो ऐसा है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने एक मित्र टोली बनाते हैं और इसको हमेशा पीछे रखते हैं, तो वो वाला पक्ष है वो अपनी टोली बनाता है और अपनी बुराई करता है, अपने बारे में विरोध बोलता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक मस्तिष्क की लड़ाई है, ये शीत युद्ध है। अब अगर बात करें तो शीत युद्ध का जन्म कब होता है, तो ध्यान रखना सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद के समय को हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं, यानी 1945 तक शीत युद्ध हुआ था, तो उसके बाद का जो दौर है वो शीत युद्ध का दौर कहा जाता है, जब विश्व में दो शक्तिशाली गुट हो गए। एक गुट तो हो गया यानी दो ध्रुवों, दो शक्तिशाली देशों का जन्म, जब दो शक्तिशाली देशों का जन्म हो जाता है यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो काफ़ी देश तो उनकी कहते हैं ना कि काफ़ी देश है उनकी अर्थव्यवस्था, उनका देश, उनकी सैनिक शक्ति खत्म हो जाती है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होते होते विश्व में दो शक्तिशाली देश है वो सामने रहते हैं, बाकी सबका की मतलब कहते ना कि ख़त्म हो जाती है उनकी व्यवस्थाएँ। तो इन दो शक्तिशाली देशों में आपस में लड़ाई होती है, जैसे एक और तो होता है USA यानी अमेरिका, दूसरा USR संयुक्त राष्ट्र रूस यानी इसको हम कहेंगे सोवियत संघ। तो विश्व में फिर दो गुट रह जाते हैं, एक और एक ये, इन दोनों के मध्य ही विचारों की लड़ाई होती है, वास्तविक युद्ध न होकर। ये इसके लिए अलग रणनीति चलाता है, ये इसके लिए रणनीति चलाता है, ये कूटनीति करता है कि हम कैसे इसको पीछे रखें, इसको आगे जाएं। तो ये वैचारिक लड़ाई है वही, या मस्तिष्क की लड़ाई जो हुबहू प्रत्यक्ष हत्यारा होकर, तो इसको हम ये नाम देते हैं।
अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसकी परिभाषा देखें तो मैं एक ही परिभाषा है जो आपके सामने यहाँ पे नोट करी है, वैसे तो काफ़ी अलग अलग होते हैं लेकिन ये जो परिभाषा है वो नेहरू जी ने दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के बारे में कुछ अपने विचार दिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनमें से कौन सा विचार सही लग रहा है वो याद कर दीजिए, ठीक है। तो ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की एक अवधारणा है। क्या है? शक्ति संतुलन की एक अवधारणा है और या इसका एक नया रूप है, और यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष है। दो भीमकाय, इनको हम कहीं ना कहीं वैसारिक संघर्ष भी कहते हैं, मस्तिष्क की लड़ाई कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो बड़ी महाशक्तियाँ थी जो आपस में एक दूसरे को मार धार के यानी कैसे भी करके अपने को अव्वल करना चाहती थी कि मैं इससे आगे जाऊँ, मैं ही एक शक्तिशाली देश बनूँ। तो इस तरह से शीत युद्ध के अर्थ और एक डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि शीत युद्ध है वह दो ध्रुवीय राष्ट्रों के इर्द गिर्द घूमने वाली एक वैचारिक युद्ध की लड़ाई है जो वास्तविक युद्ध न होकर एक कूटनीति युद्ध भी है, एक राजनीतिक युद्ध भी है और एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कहा जा सकता है। अब बात करें कि शीत युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, शीत युद्ध होने का रीज़न क्या था। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि शीत युद्ध कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके अंतर्गत घटित ऐसे कारण थे, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड विश्व युद्ध के बीच में ऐसे कुछ कारण हुए जिसने तीसरे विश्व युद्ध को तो होने नहीं दिया लेकिन एक शीत युद्ध है वो जारी रहा था। तो वही हम देख रहे हैं कि शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। तो हम बारी बारी से इसके कुछ प्रमुख कारण यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जिन वजह से शीत युद्ध वो हुआ है। शीत युद्ध और इस शीत युद्ध के क्या कारण थे वो हम यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। ओके, तो हम अब देख रहे हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। मोटे मोटे कारण ही हम डिस्कस करेंगे, कुछ और भी कारण हैं जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला, शीत युद्ध
अब शुरू कब से होता है तो ये तो आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसी कुछ घटनाक्रम हो जाता है जिससे विश्व में दो शक्तिशाली प्रमुख देश बन जाते हैं, एक तो सोवियत संघ के केंद्र वाला, एक अमेरिका वाला। तो इन दोनों के मध्य आपसी लड़ाई है, वो शीत युद्ध को आगे जारी रखती है। तो शीत युद्ध का पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण यानी कहीं ना कहीं शीत युद्ध होने का एक अतीत का भी एक कोई हाथ है। अतीत के ऐसे कुछ कारण थे जिस वजह से शीत युद्ध है वो हुआ। तो अब अतीत के ऐसे क्या रीजन थे जिससे शीत युद्ध होना अभी समय में हुआ, तो देखिए जैसे मैं कुछ यहाँ पे बताऊँ तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से पश्चिमी सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न चल रहा था। यानी वर्ल्ड वॉर से काफ़ी पहले क्या था कि कुछ ऐसे देश थे जो एक सोवियत संघ जो संगठन था उसको तोड़ना चाहते थे। तो इसलिए सोवियत संघ पहले से ही इसके बारे में काफ़ी चिंतित था और पहले से ही मतलब कहते हैं ना एक पहले से जानकार था कि भाई ऐसी चीज हो जाए तो क्या करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अतीत का ये कारण था जिस रूस है वो पहले ही एक अग्रेसिव रूप में हुआ था, ठीक है। और फिर बात करें कि ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 में ही रूस को मतलब मान्यता तो दे दी थी, लेकिन पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी समर्थन की अपेक्षा अधिकांश दृष्टि से एक अलगाव नीति से देखते थे और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते थे। तो इस वजह से सोवियत संघ है वो काफ़ी एक अलग सेंटर वाइज कहते हैं एक देश बन गया था जो नज़रों में आ रहा था, वो अपने आप को नज़रों में महसूस करता था। तो इसलिए ये सोचता था कभी ना कभी मेरे साथ गलत हो रहा है और हुआ है, इस वजह से मेरे को पिछड़ना चाहते सोवियत संघ ये मानता था। एक तो पहला तो ऐतिहासिक कारण हो गया, ठीक है ना, जो रूस अपने आप को मानता है। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न मतलब पहला मोर्चा क्या है, द्वितीय मोर्चा क्या है। सो सुनिए मैं वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जन धन की क्षति पहुँचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप नाजी में फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया। यानी एक दूसरा एक संगठन बना लेना किसी के खिलाफ, तो यहाँ पे इनके खिलाफ कर दिया, ठीक है ना। और इस वजह से नाजी सेना का रूसी सीमा पर दबाव बढ़ गया या बढ़ सके, जिससे ये एक तत्कालिक कारण भी बनता है कि द्वितीय मोर्चे का प्रश्न जो एक शीत युद्ध या एक आने वाले युद्ध को बनाने का एक कारण बनता है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। तीसरा युद्धोत्तर उद्देश्यों का प्रश्न, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या ये प्रश्न खड़ा होता है कि अब कौन होगा शक्तिशाली, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो शक्तिशाली देश आपने भिड़े टकरा गए, तो अब कौन है जो आगे लीडरशिप करेगा या आगे का क्या उद्देश्य है। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के उद्देश्य को लेकर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है जिसका समाधान ढूंढने ढूंढते शीत युद्ध है वो अपने आप में एक एक्टिव गतिविधि हो जाती है। तो हम यहाँ पे बात करें कि भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था और पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने का भय था। तो किसी को भय था कि सोवियत संघ शक्तिशाली हो जाएगा और सोवियत संघ को लगता था कि मैं पिछड़ जाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना है, मुझे एक शक्तिशाली बन के उभरना है। युद्ध के बाद इन देशों के इस अपने गोल की वजह से कहीं ना कहीं इनके कारणों के इनके राष्ट्रीय हितों की वजह से इनके शक्ति संघर्ष के होने की वजह से भी शीत युद्ध है वो होना अवश्य भावी हो जाता है। फोर पॉइंट, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की क्या करना, अवेलना। सोवियत संघ जो है वो याल्टा समझौते की जो संधियाँ होती समझौते होते हैं उसको वो मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि विश्व स्तर पर जो समझौते हैं वो मानने से ही शांति बनी रहती है, लेकिन यहाँ पे अवेलना हो जाती है। जैसा कि आप पता होगा कि 1945 में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे और पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा लुबनिन शासन और पश्चिमी देशों के द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निशासन पर आधारित एक प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है।
और यही वो समझौता होता है। लेकिन 1946 में राष्ट्रवादी नेताओं ने यहाँ प्रवेश न कर दिए जाने पर साम्यवादी नेताओं ने यहाँ पर प्रवेश संबंधी सूचना प्रदान की और इससे संबंधी युद्ध सामग्री सौंपी। जापानी सेना को बाध्य समय छोड़ा गया। ये सभी याल्टा समझौते के विरुद्ध सोवियत संघ ने की गई कार्रवाई थी जो एक शीत युद्ध या होने वाले युद्ध की ओर इशारा करती है, जो हुआ था समझौता 1947 को। इसके अंतर्गत जो समझौते हुए थे उसको रूस ने मानने से इनकार कर दिया। ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, ईरान ने अपनी सेना है वो सोवियत संघ में तान दी थी, तो अमेरिका या बाकी देशों ने अपनी सेना है वो शांति समझौते के तहत हटा ली, लेकिन सोवियत संघ है वो अभी भी सेना डाल रखा था। तो जब सेना अगर कहीं किसी क्षेत्र में है तो तनाव होता ही नहीं होता है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरह देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार किया था, और यद्यपि युद्ध तो समाप्त हो गया तो एंग्लो अमेरिकी सेना तो दक्षिण ईरान से हट गई, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप सोवियत संघ ने बाद में वहाँ से अपनी सेना हटाई, लेकिन फिर दोनों में खटास हो जाती है कि कहीं दबाव से कोई कार्य करता है तो फिर इसके मध्य में एक दबाव, एक रणनीति, एक कूटनीति, एक विभाजन विचार है, वो दोनों के बीच में जगह कर लाता है। तो काफ़ी प्रेशर के बाद इसको हटना पड़ा, तो ये माहौल गर्म हो जाता है। नेक्स्ट अट्टा पॉइंट देखें, ओके तो हम जब नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो शीत युद्ध होने का एक रीज़न और भी था, अणुशक्ति का आविष्कार। अणुशक्ति यानी अणुबम, परमाणु बम, जो देखा होगा आपने जापान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, तो अणुशक्ति के आविष्कार भी एक कारण है शीत युद्ध का। क्यों? क्योंकि अणुशक्ति का आविष्कार किसने किया था? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने अणुशक्ति के बारे में सभी डिटेल है वो ब्रिटेन को तो बताई थी, किसने बताई थी? ब्रिटेन को। यानी ये जो काम कर रहा था अणुशक्ति के बारे में इसको पता था, ये दोनों जानकार थे, ठीक है ना। लेकिन ये रूस को भनकनी थी, रूस को ये पता ही नहीं लगा, रूस को इसने बताया नहीं, अमेरिका ने रूस को बताया नहीं कि मैं परमाणु शक्ति बना रहा हूँ, उसके लिए रिसर्च चल रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, तो इन सबको पता था, इसको नहीं पता था। तो इस तरह से इसको आ गया गुस्सा कि इतना बड़ा आविष्कार कर दिया लेकिन हमें नहीं बताया, हमें इससे दूर रखा। इस तरह से इनके और अमेरिका बीच में और खटास पैदा हो गई, और ये खटास है वो आगे जाकर एक दूसरे की दुश्मनी का रूप भी लेती है। तो फिर सोवियत संघ के द्वारा अमेरिकी विरोध नीति का प्रसार करना है। जब इस तरह से जब होता है, यानी रूस कहता है कि मेरे को साइड में कर दिया जाता है या मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वह अमेरिका के विरोध में प्रसार करता है या नीतियाँ ऐसे चलाता है कि अमेरिका को खराब करना चाहे। जैसे मैं कुछ यहाँ पे बताऊँ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 18 अगस्त 1945 को बर्निज अमेरिका राज्य का एक सचिव और बेनिज ब्रिटिश विदेश मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत संघ के संदर्भ में कहा है कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप के स्थान स्थापन को रोकना है। और 5 मार्च 1946 को फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिन में स्टेनिन से लेकर एडियाट्रिक में ट्रिट तक महाद्वीप में एक लोह आवरण छा गया है। यानी ये जो नेता हैं वह अपने इस विचार के द्वारा दूसरे पर प्रतिरोप या आरोप लगाते हैं। तो सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रसार करने से दोनों में और ज़्यादा मतलब नाराजगी और ज़्यादा विरोधी विचार होते हैं, और ये ऐसा करता है तो अमेरिका भी अपने विरोध में इसका प्रत्युत्तर देने के लिए उसके खिलाफ छानबीन, जासूसी या ऐसा कुछ होता है जिससे ये और हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा ये फिर क्या होता है कि एक तरफ जैसे अमेरिका होता है और एक तरफ ये जो सोवियत संघ होता है, ठीक है ना। तो ये फिर क्या करते हैं, ये सोचता है कि मैं शक्तिशाली बनूँ, ये सोचता है कि मैं शक्तिशाली बनूं, तो ये कहते हैं कि मेरे साथ आ जाओ मैं आपको शक्तिशाली बनाऊंगा। तो काफ़ी देश तो है इनके साथ जुड़ जाते हैं, और जो सोवियत संघ के समर्थक हैं वो इस ओर जुड़ जाते हैं। इस तरह से वर्ल्ड है वो दो गुट में बढ़ जाता है, सोवियत संघ और यूएसए। तो विश्व जब दो गुटों में बनता है तो ये इसके ऊपर आरोप लगाता है, ये इसके ऊपर आरोप लगाता है। यही घटना जो डेरक लड़ाई डिसुम में होकर विचारों की राजनीति की कूटनीति की लड़ाई सोवियत संघ की ओर इशारा करती है, ठीक है। तो आपको पता होगा इसी तरह से इसने एक संगठन बनाया था जिसका नाम पता होगा, नाटो। इसने बनाया था वारसा,
इसने कहा कि आप जो भी मेरे मित्र देश है वो मेरे साथ जुड़ जाइए, अगर आप नाटो के सदस्य बनते हैं तो आपका कोई भी देश जैसे रूस या कोई भी देश है वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यानी हमला करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये सैनिकी गुट बन जाता है और इधर इसका एक सैनिकी गुट बन जाता है, तो ये गुटबाजी ही शीत युद्ध को और ज़्यादा एग्रेसिव करती है। फिर बर्लिन की नाकेबंदी हो जाती है और बर्लिन की ये नाकेबंदी युद्ध को शीत युद्ध को और ज़्यादा तेज भी करती है, क्योंकि आपको पता होगा कि सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल, लंदन जो प्रोटोकॉल था वह हुआ था जून 1948 को, ठीक है ना, लंदन प्रोटोकॉल। तो ये जो सोवियत संघ है वो लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है और बर्लिन पर नाकेबंदी कर देता है, बर्लिन को घेर लेता है। इस वजह से पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और ये कार्रवाई है वो शांति के लिए घातक बताया। यानी जब सोवियत संघ ने बर्लिन पे अधिकार करना चाहा तो इसकी इस करने की समस्या को सोवियत महासभा में कहा गया कि सोवियत संघ शांति के विरुद्ध काम कराइए, तो नाकेबंदी ये वो और ज़्यादा शीत युद्ध को बढ़ावा देती है। और सोवियत संघ द्वारा महासभा में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो पावर होता है उसका वह बार बार गलत उपयोग करता है। वो सोचता है कि अमेरिका उसके जैसे देश हैं वह सोवियत संघ को बांटना तोड़ना या उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, तो इसलिए जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपने शांति समझौते और अपने कार्य को लेकर जो भी कार्य करना चाहता है तो हर बार सोवियत संघ वीटो पावर के द्वारा उसको खारिज कर देता है। तो इस तरह से बाकी देशों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि विद्वान मोहंस बार्गेनता उन्होंने कहा है कि इन शीत युद्ध होने का कारण है शक्ति के लिए संघर्ष। हर जैसे दो गुट होते हैं, एक और अमेरिका एक और रूस, वे अपनी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी जैसे मैं शक्तिशाली बन जाऊं उस वाले देश से, वो कहता है कि मेरे से शक्तिशाली बन जाए, तो ये शक्ति की भागा दौड़ी में वो ऐसे काम कर देते हैं जिससे ये संघर्ष शुरू होता है और संगत शीत युद्ध के लिए होता, मतलब शीत युद्ध का एक कारण भी बनता है कि ये देश अपनी शक्ति को और बढ़ाने और शक्तिशाली बनने के लिए किसी न किसी तरह के कूटनीति वैचारिक या मानसिक तरह से एक ऐसी कूटनीति युद्ध करते हैं जिससे संघर्ष शुरू हो जाता है और शीत युद्ध का ये कारण भी बन जाता है और हित के लिए भी है। बिल्कुल, जैसे रूस चाहेगा कि मेरा कुछ हित हो तो मैं उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना चाहता हूँ, अमेरिका कुछ अपने अधिकार में करना चाहता है, या जो रूस है वो किसी दूसरे देशों को अपनी ओर मिलाना चाहता है जिससे उसका फ़ायदा हो जाए, तो अमेरिका कुछ और देशों को अपनी ओर मिलाना चाहता है जिससे उसका फ़ायदा होता है। तो इसी तरह ये अपने हित और अपने मतलब के लिए एक संघर्ष को पैदा कर देते हैं और यही संघर्ष जो आगे आने वाली और तनाव को उत्पन्न करता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की और घटना को बढ़ाता है और ये होता है शीत युद्ध। तो अब ये शीत युद्ध के कारण आपको हमने यहाँ पे बताए हैं, जो मोटे तौर पे याद रखने 11 कारण जो शीत युद्ध से संबंधित है। अब ये शीत युद्ध के कारण ये थे जिसमें शीत युद्ध हुआ, अब शीत युद्ध का प्रभाव क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा विश्व में या इनके देशों पर, शीत युद्ध का क्या प्रभाव था, तो आने वाले सेकेंड पार्ट में हम इसके प्रभाव को समझेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो से आप कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइए, अदरवाइज आप इस वीडियो को आगे शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।